करो। ईएसआई तुम करते हैं ना। क्रिकेट कंपनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, काम करो, काम करो, काम करो, काम करो। मेरा नाम राकेश कुमार है और लगभग 6-7 महीने से मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर काम कर रहा हूँ। ये देखिए, ये ना एक हफ्ते का पे आउट है, जब ये नया शेड्यूल आया था उससे बिल्कुल पहले का है। जैसे 1246 का रात को काम किया, 1300 का, 1000 का, 1570 का, ये एक हफ्ते का पूरा पे आउट है। और उसके अगले हफ्ते में ही, नेक्स्ट डे में, एक्सपीरियंस इतना हॉरर था कि सेम डे काम करने के बाद हमें 806 रुपये का काम हुआ था। जो काम लगभग 1500-1400 का होता था, वही सेम दिन काम करके वो लगभग 806 रुपये का हुआ था। तो इसलिए एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा हमारा। एक दिन में अगर 1500 का काम करते हैं तो अराउंड इसके अंदर 400 रुपये लगभग पेट्रोल में और 100 रुपये ऊपर खर्च हो जाते हैं मेंटेनेंस में अगर लगाया जाए, और बाकी 101 रुपये हमारे खर्च हो जाते हैं। कभी घर नहीं जा पाते, खाना खाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, गर्मी है, बारिश है, वो सब इसमें खर्च हो जाते हैं। लगभग 500-600 रुपये पर डे का खर्चा है। इस ब्लिंकिट की इशू की बात की जाए तो पहले ये साथी जब पहले जब ये ज्वाइन किए थे, जब ये कंपनी ग्रोफर्स थी, तो ये सैलरी बेस्ड ज्वाइन किए थे। फिर इन्होंने 50 रुपये में काम किया, 50 से वो घटते घटते 25 रुपये पर डिलीवरी हुआ, और आज के समय में 15 रुपये प्रति डिलीवरी इन्होंने, इनको बोला गया कि आपको दिया जाएगा। और इसीलिए इसका विरोध प्रदर्शन पूरे दिल्ली भर और पूरे देश भर में हो रहा है, क्योंकि पहले ही दयनीय स्थिति में थे और ज़्यादा दयनीय स्थिति में अब इनको कर दिया गया है। कहने के लिए हम गिग वर्कर हैं, हमारा कोई टाइमिंग नहीं है, हम जब मर्जी आए जब मर्जी जाएं, ऐसा सिर्फ कागजों में है। असलियत ये है कि अगर हम यहाँ पर काम करने आते हैं तो उसके बाद हमारे शेड्यूल बना दिए जाते हैं। अगर शेड्यूल से बाहर भी अगर ओवर हो रहे हैं ऑर्डर, तो हमारे को ये प्रेशर किया जाता है कि आप इतने बजे तक नहीं जाएंगे, अगर आप जाएंगे तो मॉर्निंग में आकर काम नहीं कर पाएंगे, आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी और बंद कर दी जाएगी। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड मेरे फ़ोन में इनका ग्रुप था, उसके अंदर TLK और उनके रात को 12 बजे आते थे मैसेज कि कोई अगर 2 बजे से पहले गया तो उसका सुबह हिसाब ख़त्म कर दिया जाएगा, वो सुबह आके ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। जो स्टोर मैनेजर होते हैं, OTL होते हैं, इनके प्रेशर होते हैं कि आप जो है अभी नहीं लॉग आउट करोगे, आप 12 बजे से पहले नहीं जा सकते, आप 2 बजे से पहले नहीं जा सकते। कंपनी का प्रेशर ये रहता है सिर्फ यही कह के कि आपकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी अगर आप नहीं आते। तो अभी बहुत सारे साथियों का जो लोग भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे उनका आईडी ब्लॉक कर दिया था, जिसको उन्होंने बोला टेम्प्ररी ब्लॉक है। यहाँ पे देखा जाए तो धमकाने का बहुत सारा तरीका है, उसमें से सबसे ज़रूरी तरीका जो ये बोलते हैं कि सीधे आईडी ब्लॉक करने हैं, इट्स अ वे ऑफ रिट्रेंचमेंट का ये तरीका इन्होंने खोजा है। अगर ये लॉग इन 2-3 दिन तक नहीं करते हैं तो उसके बाद इनका आईडी ब्लॉक हो जाता है, जो कि बहुत बार परमानेंटली भी ब्लॉक हो जाता है। अगर किसी दिन छुट्टी ले लिए, किसी दिन बाकी तबीयत ख़राब हुआ, तब भी कभी कभी तो एक्सीडेंट्स होने के बाद जब ये बहुत दिन काम पे नहीं आ पाते हैं, कुछ दिन, जो कि पता होता है, कंपनियों को पता होता है कि एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद भी ये आईडी ब्लॉक कर देते हैं, कंपनसेशन तो नहीं देते हैं। ऑर्डर डिलीवरी का प्रेशर 10 मिनट का होता है, क्योंकि हमें ऑर्डर डिलीवर 10 मिनट के अंदर करना होता है। कंपनी की जो पॉलिसी है उसके लिए काफ़ी बार एक्सीडेंट हुए हैं, चोटें भी लगी हैं। इनकी पॉलिसी ये है कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, पहले आप SOS का कोई बटन होता है उस पर कॉल करें, वहाँ से एम्बुलेंस आएगी, वो आपको लेके जाएगी, तब आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। अगर आप खुद से उठकर कहीं पट्टी करा आते हो, दवा ले आते हो, डॉक्टर के पास चले जाते हो, ऑपरेशन करा लेते हो, तो कंपनी उसका कोई हर्जाना नहीं देगी। इनकी एक वो अपनी अजीब सी पॉलिसी है, मुझे लगता है कि सड़क पे मरने वाला आदमी SOS का बटन दबा के ये इंतज़ार करेगा मुझे कब एम्बुलेंस लेने आएगी। ज़्यादातर वर्कर्स जिनसे हमने बात किया वो फुल टाइम काम करते हैं, कुछ स्टूडेंट गिने चुने इलाके में अगर काम करते हैं थोड़ा बहुत, वो भी उनका संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ये सब एक तरीका होता है जो अपना, मतलब चोरी और सीनाजोरी वाला बात है, कि पहले आप कुछ ऐसा पॉलिसी लाते हैं, फिर उसको डिपेंड करने के लिए यू डिपेंड द इनडिफेंसिबल, और उसमें अगर आप आज भी सर्वे कर लें कि कितने ऐसे स्टूडेंट काम कर रहे हैं और कितने फुल टाइम काम करने वाले लोग हैं। हम 5-7 जनों का परिवार है, जिसमें अर्निंग सिर्फ मैं ही सिर्फ कमा रहा हूँ, बाकी सभी घर पर है। लेकिन मैं 14-16 घंटे मैं ऑन रिकॉर्ड काम करता हूँ, जो मेरे फ़ोन में मौजूद है। सुबह 6 बजे आता हूँ,
तो 2 बजे तक काम करता हूँ, फिर उसके बाद घर चला जाता हूँ, लंच करता हूँ 4-4:30 बजे, फिर वापसी आ जाता हूँ और फिर रात को 10-11 बजे तक काम करता हूँ। पार्टनर के नाम पे हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है, क्या पार्टनर है? और हो सकता है आज ये पार्टनर कह रहे हैं, कल को ये मालिक भी बोल दे हमें कि आप मालिक हो और केस आप पे लगेंगे सारे और कमाएंगे हम। पूरी दिल्ली में अगर मैं मान के चलूँ लाखों गिग राइडर्स हैं, तो उनमें से अगर एक भी इनके फैसले में कोई भी हम में से एक भी व्यक्ति नहीं होता कि वो इस फैसले का विरोध करे वहाँ पर, या मीटिंग जो होती है उनमें हम लोग जाएं, क्योंकि जो लोग एसी में बैठे होते हैं उनको कभी फील नहीं होगा कि एक डिलीवरी बॉय क्या एक्सपीरियंस करता है, और हम कभी फील नहीं कर सकते कि एक एसी में बैठा हुआ एम्प्लॉय क्या फील करता है, क्योंकि हमने कभी वो एसी में बैठ के हमने वो फील किया ही नहीं। एक्सपीरियंस कर लें अगर बैठ कर कि 5-7-10 डिलीवरी धूप में कैसे लगती हैं, बारिश में कैसे लगती हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो सुबह 6 बजे 5 बजे कैसे आकर राइडर काम करते हैं, एक्सपीरियंस करेंगे तो शायद वो समझ पाएंगे कि हम किस स्थिति से गुजरते, तो शायद वो ऐसा फैसला ना लेते।